हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। क्या आप भी मेरी तरह सुंदर, खूबसूरत, लंबा, काला, घना बाल पाना चाहते हैं फ्रेंड्स? तो आज का DIY ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आपके बालों को बेहद खूबसूरत, काला, लंबा, घना करेगा। और साथ के साथ ही अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा टूटते झड़ते हैं तो टूटते झड़ते हुए बालों को बिल्कुल रोक करके बेजान बालों को सुंदर और खूबसूरत बनाएगा आज का ये बहुत ही सुंदर सा नुस्खा। तो दोस्तों, आज के नुस्खा को बनाने के लिए सबसे पहली सामग्री आपको लेनी होगी वह होगा आपका तेज पत्ता, यानी कि बे लीव्स। तेज पत्ता हमारे किचन में ऑल टाइम रहता है, अक्सर हम तड़का वगैरह लगाने में काम करते हैं तेज पत्ता का। तेज पत्ता में दोस्तों भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। हमारे बालों को भरपूर मात्रा में विटामिन्स भी देता है ये, और इससे हमारे बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, टूटना झड़ना बिल्कुल बंद हो जाता है। दूसरी सामग्री आपको लेनी है ये आपका होगा मेथी दाना। दोस्तों कहा जाता है कि मेथी दाना गुणों का भंडार होता है। मेथी दाना के अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे टूटते झड़ते बेजान बालों को भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर, खूबसूरत, मुलायम बनाता है। दोस्तों मेथी दाना में पाया जाता है भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, हमारे टूटते झड़ते बालों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग करता है, बालों की ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है हमारा मेथी दाना। अगली सामग्री आपको चाहिए होगा आपके किचन से ही दोस्तों, जो कि आपके किचन में ऑल टाइम अवेलेबल होता है, अक्सर घर घर में यूज़ किया जाता है दोस्तों, चाय का पत्ती। चाय का पत्ती गुणों का भंडार होता है, कहा जाता है चाय का पत्ती का इस्तेमाल करेंगे आप अपने बालों के लिए तो आपके बाल ग्रे हो रहे हैं, टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो उसको वो सही करता है। ग्रे बाल को सफ़ेद होने से रोकता है, आपके बालों को ब्लैक होने के लिए मजबूर कर देता है चाय का पत्ती। दोस्तों हमारे बालों की खोई हुई चमक को वापस लेके आता है चाय का पत्ती। तो दोस्तों चाय का पत्ती आपको हमेशा आपके घर में रखना जरूर चाहिए, क्योंकि अगर आप चाय पीते हो चाहे नहीं पीते हो, आपको चाय पत्ती जरूर से जरूर चाहिए। तो इसको बनाने के लिए आपको एक गिलास पानी लेना है, किसी भी बर्तन में एक गिलास पानी रख ले, उसमें एक गिलास या फिर एक चम्मच आपको चाय का पत्ती, एक चम्मच आपको डालना है इसके अंदर मेथी दाना, और अगली सामग्री जो आपने ली है तेज पत्ता, वो लगभग 2 से 3 तेज पत्ता इसके अंदर डाल दीजिए। बस 2 से 3 सामग्री से ही आपको इतना मैजिकल वाला, बढ़िया वाला हेयर सीरम जैसा प्रोडक्ट मिल जाएगा, घर बैठे ही घर में बना करके आप रेडी कर सकते हो, जिससे आपके बालों का टूटना झड़ना, बेजान बेरुखे बाल बहुत ही जल्दी सुंदर, खूबसूरत, मुलायम में बदल जाएंगे। दोस्तों तब आपको क्या करना है, इसको आपको 10 से 12 मिनट तक अच्छे से उबालना है, ताकि जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ है, मेथी दाना हो गया, चाय का पत्ती हो गया और तेज पत्ता हो, ये सभी के सभी प्रॉपर्टी जो है पानी के अंदर डाल दे, और ये पानी आपका एकदम मैजिकल वाला पानी बन जाए। तो 10 से 12 मिनट तक आपको काफ़ी अच्छे से इसको उबालना है, और उबालने के बाद इस पानी को क्या करना है दोस्तों, आपको छान लेना है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कलर रेडी हो चुका है, इस पानी को आप छान लें। छानने के बाद ये जो पानी आपका होगा एकदम ज़बरदस्त और बहुत ही बढ़िया वाला पानी होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब इस पानी को आप क्या करना है, जो आप भी शैम्पू करते हैं, कोई भी शैम्पू करते हैं, जो भी, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको न्यूट का जिंजर शैम्पू बता रही हूँ, जो कि हमारे ग्रे हो रहे बालों को बहुत ही ज़्यादा काला करता है, वाइट होने से बचाता है, सफ़ेद होने नहीं देता है दोस्तों। तो जिंजर की बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है, हमारे सफ़ेद होने बालों को रोकता है, ग्रे होने नहीं देता है, सफ़ेद होने नहीं देता है, और बालों को बेहद स्ट्रांग, मजबूत बना के रखता है दोस्तों। इसलिए जिंजर शैम्पू मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से इधर, और न्यूट ब्रांड जो है बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो दोस्तों आपको भी मैं रिकमेंड करती हूँ कुछ कुछ ऐसे ऐसे शैम्पू जो घर के प्रोडक्ट के जैसे ही होते हैं, बिल्कुल ज़्यादा केमिकल वाले नहीं, तो वैसे प्रोडक्ट आप भी इस्तेमाल कीजिए। जो भी शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालती हूँ दोस्तों, आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। तो शैम्पू यहाँ पर 3 से 4 चम्मच अपने बालों के लेंथ के हिसाब से डाल दें, और इसको काफ़ी अच्छे से ठंडा करने के बाद ही आपको अपने बालों को इससे वॉश करना है दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छा से ठंडा हो चुका है, तो क्या करें, बालों को काफ़ी अच्छे से पहले गीला कर ले, जैसे ड्राई है तो ड्राई से थोड़ा सा हल्का पानी से उसको भिंगा ले, उसके बाद आपको ये वाला शैम्पू जो है आपको अब बालों को वॉश करना है। नॉर्मल शैम्पू से जिस तरह की सब बाल वॉश करते हैं, उसी प्रकार से आपको ये वाला शैम्पू आपके पूरे बालों पर अप्लाई करना है। 5 से 10 मिनट तक ज़रूर से ज़रूर इसको अपने बालों के स्कैल्प पर लगा रहने दे, बालों के पूरे सभी जगह लगा रहने दे, ताकि इसकी अच्छे से अच्छे गुण जो है आपको मिल सके, और आपके बाल का जो है अच्छा अच्छा मतलब जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो बहुत ही जल्दी आपको लगा करके धोना नहीं है, कम से कम 10 से 5 मिनट तक आपको बालों पे लगा रहने दे, और उसके बाद
आपको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। दोस्तों इतना जल्दी आपको फ़र्क नज़र आएगा आपके बालों में कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बाल आपके बेहद खूबसूरत, लंबे, घने, मुलायम, बिल्कुल मेरे बालों की तरह हो जाएंगे। मैं कुछ ना कुछ DIY ज़रूर ट्राई करती रहती हूँ मेरे बालों के लिए। आप देख सकते हैं मेरे बहुत सारे बेबी हेयर्स भी नए नए आए हैं। ये सब कमाल हमारे घर के बनाए हुए DIY का ही है दोस्तों। बीच में प्रेगनेंसी में मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ गए थे और अब DIY करते करते सभी बाल वापस आ रहे हैं और बाल भी बेहद लंबे, घने, मुलायम हो रहे हैं दोस्तों। आप भी इस तरीके का नुस्खा घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करता है। आपको भी बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बाल मिलेंगे दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे विजिट करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।